Okay, so class 2 today we are going to start unit number 17 that is about short answers and replies. Iska matlab hai jo aap chote chote jawab short answers jawab dete ho ya reply karte ho. For example, main aapko aapke class work ke bare mein ya homework ke bare mein explain kar rahi hu, theek hai? Main aapko bata rahi hu aapne ye karna hai, ye karna hai, ye karna hai, and I take 5 minutes to explain something to you. और इसके बाद मैं आपको करने के बाद मैं कहती हूँ have you got my point, have you understood it, so what do you people reply? आप कहते हो yes ma'am. ठीक है, so this yes ma'am is a short answer, एक बहुत छोटा सा जवाब है मेरे बड़े से सवाल का, छोटा सा जवाब है. ठीक है, सो इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर या शॉर्ट रिप्लाई. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा जी हैव यू डन योर वर्क, सो व्हाट डू यू से? नो मैम, फॉर एग्जांपल. और इफ़ यू से यस मैम, सो दिस यस और दिस नो, यस मैम और नो मैम, या फिर यस मैम आई डिड, नो मैम आई डिड नॉट, दीज आर द शॉर्ट रिप्लाइज और शॉर्ट आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल a lady is asking do you live near the school. ठीक है, क्या तुम स्कूल के करीब रहते हो? एंड नाउ देयर आर टू चिल्ड्रन, सो वन रिप्लाइज येस आई लिव नियर द स्कूल. ठीक है, अब इसने प्रॉपरली एक जवाब जो हमने देते हैं वो दिया है, पहले उसने येस कहा है एंड देन फिर उसने प्रॉपरली उस सेंटेंस को कंप्लीट किया है. लेकिन एमी ने क्या किया है, एमी ने जस्ट कहा येस आई डू, हाँ मैं रहती हूँ, उसने शॉर्ट आंसर किया है. सो ये जो चीज़ है इसमें आपको सेंटेंस की बिल्कुल प्रॉपर समझ आ रही है. ठीक है, लेकिन शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई, शॉर्ट लिखा हुआ आंसर, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रिप्लाइज या शॉर्ट आंसर्स. फॉर एग्जांपल आर यू हंग्री, अब यहाँ पे पूछ रही है तो वन पर्सन वन चिल्ड्रन चाइल्ड इज़ रिप्लाइंग नो आई एम नॉट हंग्री. ठीक है, नो फिर प्रॉपरली उसने बोला कि नहीं मुझे भूख नहीं है. और अगले जॉर्ज ने क्या जवाब दिया, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ द शॉर्ट आंसर. अब जिस तरह हम लोग आप लोग सोशल स्टडीज़ में या साइंस में भी करते हैं, ठीक है, एक जगह लिखा होता है गिव शॉर्ट आंसर्स. ठीक है, जिससे आपकी ब्लैंक्स होती हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रू फॉल्स में आप क्या करते हो, आपने बताना होता है अगर सेंटेंस ठीक है तो शॉर्टली आप उसके आगे टिक लगा देते हो, अगर सेंटेंस फॉल्स है तो आप उसके आगे क्रॉस लगा देते हो. तो दैट आल्सो अकर्स इन योर कम्स इन योर शॉर्ट आंसर्स. सो बोथ एमी एंड जॉर्ज गिव द शॉर्ट आंसर, उन्होंने शॉर्ट आंसर्स दिए हैं. शॉर्ट आंसर्स आर ऑफन यूज्ड व्हेन वी आर स्पीकिंग. Short answers are short forms of word, leave out some and leave out some word. ठीक है, short answers क्या होते हैं, ये basically हम कब बोलते हैं, जिस तरीके जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत लंबा सा जैसा लेक्चर समझा रही हूँ उसमें आप मुझसे कोई बच्चा सवाल पूछता है तो मैं कहूँगी येस आई डिड, या फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछे मैम हैव यू चेक योर कॉपीज़, मैं आपको बोलूँगी नो आई हैवेंट येट. ठीक है, या इस तरीके से. तो बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं उसके बीच में हम कर रहे होते हैं ये शॉर्ट आंसर्स यूज़ करते हैं. लेकिन देखें कि जब आपको लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं तो उसमें आप येस या नो नहीं सिर्फ लिखते हैं, यू हैव टू आंसर इट प्रॉपरली. ठीक है, सो जब हम फॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर के लिख रहे होते हैं, साइंस सोशल स्टडीज़ के, वहाँ पर हम शॉर्ट आंसर्स को अवॉइड करते हैं, मतलब यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ वो इनअप्रोप्रिएट समझे जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. टुमारो विल बी डूइंग व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब.